दोस्तों वंस अगेन, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा चलने वाली न्यू होंडा एक्स ब्लेड। क्या होगी इस गाड़ी का स्पेसिफिकेशन और क्या होगी इस गाड़ी की EMI, डाउन पेमेंट, ऑन रोड प्राइस, और कब तक ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी, और सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग आखिर तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ज़्यादा टाइम ना होती है, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इस गाड़ी के जो इंजन सीसी देखने को मिलता है वह है 162.71 cc। बात करते हैं इस गाड़ी जो मैक्स पावर देखने को मिलता है वह है 13.67 bph 8000 rpm के साथ आता है। बात करते हैं इस गाड़ी जो मैक्स टॉर्क दिया गया है वह है 14.7 Nm 5500 rpm के साथ आता है। दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी जो ट्रांसमिशन दिया गया हुआ है 5-speed manual, और इस गाड़ी जो माइलेज देखने को मिलता है 50 km/l। दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी जो फ्रंट ब्रेक दिया गया हुआ है डिस्क और रियर पर दिए हुए डिस्क। तो बात करते हैं इस गाड़ी जो व्हील टाइप देखने मिलता है वो है एलॉय, और इस गाड़ी जो कार्बेट रखी गई है वो है 144 kg। तो बात करते हैं इस गाड़ी जो चेसिस टाइप दिया गया है वो है डायमंड टाइप, और इस गाड़ी का जो टॉप स्पीड है वो है 115 km। बात करते हैं इस गाड़ी जो टायर टाइप देखने मिलता है वो है TBS टायर, और इस गाड़ी जो फिल्टिंग कैपेसिटी दिया गया है 12 liters। तो ये था इस गाड़ी के कुछ स्पेसिफिकेशन। दोस्तों बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्सशोरूम प्राइस के बारे में, और मैं जो प्राइस बताने वाला हूँ वो है सिटी इन सिलचार असम। बात करती है इस गाड़ी के जो वर्षन देखने को मिलता है वो है डुअल डिस्क। बात करती है इस गाड़ी जो एक्सशोरूम प्राइस से की गई है वह है 1,26,001 rupees। दोस्तों बात करते हैं आरटी चार्ज आपका पड़ेगा 7,000, तो इंश्योरेंस चार्ज आपका पड़ेगा 10,601 rupees। तो इस गाड़ी का टोटल आपका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा 1,43,602 rupees। तो ये था इस गाड़ी का कैश प्राइस। दोस्तों अब हम बात करते हैं अगर आप इस गाड़ी को फाइनेंस करते हैं तो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट देना पड़ेगा 40,000। तो आपका लोन अमाउंट आएगा 1,03,522 rupees। दोस्तों बात करते हैं अगर आप इस गाड़ी का टाइम लेते हैं 24 मंथ के लिए, 2 ईयर के लिए, तो आपका इंटरेस्ट पड़ेगा 11%, और आपको EMI देना पड़ेगा 5,263 rupees पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं अगर आप इस गाड़ी टाइम एक्सटेंड करना चाहते हैं 36 मंथ के लिए, 3 ईयर के लिए, तो आपका EMI पड़ेगा 3,825 rupees पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप इस गाड़ी का टाइम रीएक्शन करना चाहते हैं 48 मंथ के लिए, 4 ईयर के लिए, तो आपका EMI पड़ेगा 3,106 rupees पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। तो यह था इस गाड़ी का फाइनेंस डिटेल्स। दोस्तों बात करते हैं अगर आप इस गाड़ी को सिलचर सिटी से खरीदना चाहते हैं तो ये प्राइस मिलेगी, और दूसरे सिटी से हो तो मुझे नीचे कमेंट कर पूछा तो मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।